हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणामय प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी जो दया करता है, प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सुबह से लेकर अभी तक आपने एक भाई बहनों को संभाला अपनी आंखों की पुतली की नहीं, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महिमा में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी विलंब से कृपा करने में अति करुणा में प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हमारी मदद और सहायता करने वाला। धन्यवाद यीशु, महिमा में परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आदर प्रशंसा के योग्य प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक जनों को ब्लेस करते यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु का धन्यवाद हो। महिमा में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु जी धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु ईश्वर ने अद्भुत काम किया, प्रभु ने अद्भुत 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 काम किया। हालेलुया, पहला अद्भुत काम किया परमेश्वर ने आपके जीवन में, उद्धार किया, आपकी आत्मिक आंखें खुली और यीशु को जाने लगे। और आप कहते हैं कि प्रभु ने कौन सा अद्भुत काम किया। इतना बड़ा ग्रेट टेस्टिमनी है कि सत्य को जाना। यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज आप स्वतंत्र हो गए, सच्चाई जान चुके कि यीशु ही मसीह है, वह प्रभु है। अब आगे फिर क्यों आपकी आपकी आशीष क्यों रुक गई है, क्या रीजन है? आप जान चुके यीशु ही प्रभु है, आप जान चुके यीशु ही परमेश्वर है, सत्य को जान चुके कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्रता के बाद अभी भी आप बंधुआई में नजर आ रहे हैं, लिमिटेड लिमिटेड में बैठे हुए हैं। प्रभु आपको अनलिमिटेड आशीष देना चाहता है, लेकिन अब जानबूझ करके लिमिटेड आशीषों के में बैठे हुए हैं कि बस ठीक है, दैट्स इट इनफ। हालेलुया, ऐसा नहीं, स्वतंत्र तो हो गए, फिर भी आज बहुत सारी ऐसी बातें अभी तक जिससे आप स्वतंत्र नहीं हुए हैं। हालेलुया, आज भी आशीष स्टॉप है, आज भी आपके जीवन में वो काम नहीं हो रहे जो प्रभु आपके जीवन में एक्चुअली करना चाहता है। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अब्राहम को एक दिन में आशीष नहीं मिल गई। प्रभु ने कहा मेरी उपस्थिति में चलता से तो जा, लेकिन उससे पहले प्रभु ने क्या कहा? उससे पहले भी प्रभु ने कुछ कहा था कि अपने कुटुंबी को छोड़, इधर उधर को छोड़ और मेरे पीछे हो गए। इसके बाद प्रभु ने कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होते जा। हालेलुया, और प्रभु अब्राहम ने क्या किया? वैसे ही परमेश्वर के वचनों को फॉलो किया, क्योंकि प्रभु चाहता था कि अब्राहम से मुझसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि उस समय अब्राहम के परिवार में एक एक इकट्ठे रहते थे। अब इकट्ठे रह रहे तो प्रेम बढ़ जाएगा, तो फिर वो प्रभु के लिए कैसे काम करेगा, प्रभु कैसे अलग करेगा? आज यही बात है कि आज हम अलग नहीं होना चाहते। आज आपके जीवन से मजाक की बातें छूटना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, नशा नहीं छोड़ना चाहते, वो बुरी संगति को छोड़ना नहीं चाहते जो आपको डांस बार में लेकर जाती, जो पार्टी में लेकर जाती, जो गलत कामों को करवाती है, आज वो फ्रेंड का साथ नहीं छोड़ना चाहते। आप बोलते सत्य तुम्हें जाते को सत्य तो स्वतंत्र कर देगा, जा दो जाओ, लेकिन अभी भी बंधुआई में दिखाई दे रहे हो। अपने बोल चाल में बंधुआई में हो, अपनी अभिलाषाओं के द्वारा बंधुआई में हो। किधर गया सत्य, कहाँ गया? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। यदि आप सत्य आपके अंदर आ चुका है तो आप स्वतंत्र हो जाएगा उन सारी चीजों से, उन गलत चीजों से, उस अंधकार की चीजों से, उन बुराई की चीजों से। हालेलुया, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आपको आजाद करेगा। आप बताइए कि अभी तक स्वतंत्रता मिली है? अभी भी
अभी भी कुड़कुड़ा रहे हैं, अभी भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अभी भी क्या सिगरेट फूंक रहे हैं, विश्वास ही सिगरेट फूंक रहा है। शर्म की बात है, कितनी मतलब बोलने से भी कितना अजीब लग रहा है कि यीशु देख रहा है कि उद्धार पाया हुआ विश्वासी सिगरेट फूंक रहा है, नशा कर रहा है, शराब पी रहा है, ऊपर से गालियां भी निकाल रहा है, ऊपर से क्या बोल रहा है, विश्वासी। कहां के विश्वासी? विश्वासी का मतलब क्या? यीशु पर विश्वास करने वाला विश्वासी। तो यीशु पर विश्वास करने का मतलब विश्वासी नहीं है, यीशु के जो वचन पर विश्वास करता है। प्रभु का वचन क्या कहता है? तो व्यभिचार नहीं करना, तो झूठ ना बोलना, तो गलत काम नहीं करना, तो अंधकार के काम नहीं करना। अंधकार के काम ये सब शामिल है, नशा करना, व्यभिचार करना, वीडियो देखना। अब ये तो नहीं लिखा कि तुम ब्लूफुल मना देखो। अब हर एक बात तो कॉमन सेंस, अंधकार के काम ही है। शैतान यही चाहता है, धक्का दे रहा है, धकेल रहा है, जाओ उसमें, तो गड्ढे में चल जाओ। हालेलुया। और आप कहते हो कि मैं विश्वासी हूँ, और आप कहते हो कि मैं यीशु को जान गया हूँ, और आप कहते हो मैं यीशु को जान गया हूँ। कहाँ जाने आप? क्योंकि अभी तक आप अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन पढ़ने का मन नहीं करता और कहते हो कि मैं उद्धार पा चुका, बपतिस्मा ले लिया, मैं सत्य को जान चुका। अभी भी अंधकार आपके जीवन से दिखाई देगा कि आप सचमुच में स्वतंत्र हुए कि नहीं हुए। आपके मुंह के बोलने के द्वारा दिखाई देगा, आपके चाल चलन में दिखाई देगा, आपके 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 जीवन में दिखाई देगा। हालेलुया। फिर आप मुंह से गालियां नहीं निकालोगे, फिर आप अपनी पत्नी से गलत बात नहीं करोगे, फिर आप मारना पीटना नहीं करोगे। वैसी पत्नी भी तो वैसे पत्नी भी, वैसे बच्चे भी, कभी माँ बाप से रफली बात तो नहीं कर रहे, कभी वो माँ बाप अपने बच्चे को रिस तो नहीं दिला रहे। हालेलुया। आपके जीवन से दिखाई देगा क्या है आपके जीवन में। बन जाओ, यीशु के पास आ जाओ। हालेलुया। एक्चुअली मैं आजाद हो जाऊँ उन गंदगी अंधकार की चीजों से, तब प्रभु को ब्लेस करेगा। हालेलुया। अनुग्रह के समय चल रहा है, ग्रेस पीरियड, और जब यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा ग्रेस खत्म, फिर जितना मर्जी माफी मांग लो कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि यीशु तो अपने लोगों को लेकर चला जाएगा। आज भी अंधकार में बैठे हो, कहाँ के विश्वासी हो आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। खरे विश्वासी बन जाओ, सच्चे विश्वासी बन जाओ, प्रभु के पीछे पीछे चलने के द्वारा, पवित्रता जीवन जीने के द्वारा, प्रभु के पीछे चलने के द्वारा सच्चे तो खरे विश्वासी बन जाओ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शैतान आप पर दोष न लगा पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज ही अपने जीवन को सरेंडर करें। हालेलुया। रबा का तेरा रबा शांत रबा के तेरा, बोलो प्रभु को कि मुझे सच्चा विश्वासी बना, मुझे खरा विश्वासी बना, प्रभु जी मुझे तेरे पीछे पीछे चला। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बोलो अंधकार की शक्ति मेरे जीवन से जा, नेगेटिव थॉट्स बुरे विचार मेरे जीवन से जा, जो मैं विचार जो मेरे मन में विचार में कार्य करती है और मैं एक्शन में लेकर आता हूँ, वीडियो देखने के द्वारा, पॉर्न वीडियो देखने के द्वारा, ब्लू फिल्म देखने के द्वारा, गंदगी चीजों को देखने के द्वारा, गलत वर्ड्स बोलने के द्वारा, प्रभु आज मुझे क्षमा कर दे। बोलो मुझे पवित्र कर दे, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे बदल दे। छुटकारा की घोषणा करते हैं, चंगाई की घोषणा करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के हम तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। महिमा में परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। रबा का तेरा डबा शंत डबे के तेरा डबा के तेरा छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया। धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए जो बीमार है, आज बोलो परमेश्वर आपकी बीमारी जाएगी यदि आज आप विश्व सच्चे विश्वासी बनने के लिए तैयार हो। आपकी परेशानी आ जाएगी, आप कर्ज से जरूर आजाद होगे यदि आप प्रभु के निकट आओगे, यदि आप सचमुच में आज अपने जीवन प्रभु को ग्रहण करोगे, आपके चाल चलन आपके जीवन की तरह दिखाई देगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूं बंधन टूट जाए, बीमारी के श्राप जाए, आपके आपके रुके काम बनने लगे। हालेलुया। आपके पैसे इधर उधर ना जाए, आपके पैसे बर्बाद ना हो, आपका कमाई का ब्लेस्ड हो और वो ठहरा रहे और अपनी कमाई का आनंद लेने पाए, खाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई बाहरी व्यक्ति आकर ना खाने पाए, कोई बाहर का व्यक्ति आकर ना लेने पाए, चाहे वो कर्ज 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 वाले हो, चाहे लोन वाले हो, चाहे कहीं भी हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में जात हो जाए। हम प्रभु को अपना दसवां हिस्सा निकाल कर प्रभु के चरणों में दे देते हैं, प्रभु के काम में लगाते प्रभु के, जहाँ जब वचन से आपको जीवन मिलता है, जब और जब वहाँ पर अपना दशमांश देते हो तो प्रभु ब्लेस करता है। हालेलुया। रबा बाबा बाबा शतर रबा गतिर रबा गतिर रबा गतिर। धन्यवाद यीशु। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। जीवन की घोषणा करते हैं, आजाद हो जाए,
छुटकारा की घोषणा करते हैं, जीवन की घोषणा करते हैं, ब्लेस्ड करते हैं के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक स्पिरिट दुष्ट आत्मा को जीवन परिवार को छोड़ के जाए के सामर्थ्य। प्रभु जी छुटकारा देती है, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ। सर प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। हाली बीमारी के स्पिरिट श्राप बंधन टूट जा, गंदी आत्मा जाए, हाली दांतों के दर्द से आजाद हो जाए। शाला जो है असर की बीमारी, आपके मुंह में जो दर्द है, के सामर्थ्य नाम में हर एक बीमारी, हर एक आपके हार्ट की प्रॉब्लम जाए, पेट का दर्द जाए, पेट के रोग समस्या जाए, कुछ भी बीमारी पेट में क्यों ना हो, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको डाइजेस्ट नहीं होता डाइजेस्ट होने लगे, लूज मोशन जिनको हो रही यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। की आंखों की प्रॉब्लम जाए, ईयर की प्रॉब्लम जाए, जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो पैरालाइज हो चंगे आजाद हो जाओ। हालेलुया। जिनके हाथों में दर्द है चंगे हो जाओ। आर्थराइटिस की रोग जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जोड़ों का दर्द जाए, आपके मांसपेशी चंगे हो जाए, प्रभु जी चंगा कर छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। घुटने का दर्द जाए, घुटने का दर्द जाए, शुगर बीपी के प्रॉब्लम जाए, दुष्टात्मा जाए, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, गवाही के साथ वापस आए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपनी जॉब को, आपके कमाई के साथ ब्लेस करती हूँ। जिनके पास जॉब नहीं पे उनको ग्रेट जॉब के साथ, विद ग्रेट सैलरी के साथ ब्लेस करती हूँ। आपके जिनके पास घर नहीं उनको घर के साथ ब्लेस करती हूँ, गाड़ी के साथ ब्लेस करती हूँ। जिनके पास बच्चे के आशीष नहीं उनको बच्चे के साथ ब्लेस करती, कंसीव कर यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। तूने हस्बैंड वाइफ को ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, द्वार खोल दिया आशीषों का, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया। द नेक्स्ट लेवल में प्रभु आपको ले जाना चाहता है, उसके लिए प्रभु की निकट है, उसके चरणों में आ जाइए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। जो रात को सो नहीं पाते, रात को अच्छी मिट्टी प्यारे नहीं देना, स्वप्न दर्शन की तरफ विजन की तरफ बात करना प्रभु, जिनके सारी जरूरतों को पूरा करके देना, किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने देना यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का वचन कहते हैं, मैं तुझे पूछने की दिशा ठहराऊंगा, अब तुझे मांगना नहीं पड़ेगा। प्रभु जी अनुग्रह दे, प्रभु जी अपने ब्लेस कर दिए, धन्यवाद करती हूँ। आगे पीछे चलने के लिए अनुग्रह दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद। आपके पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करो प्रभु जी। आपका आगमन बहुत ही निकट, उसको तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस मामा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी जोर से बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें और अपनी गवाही को देना न भूलें, और लगातार प्रार्थना करें चर भवन की जमीन के लिए। और कितने लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, सच सच बताएं, कमेंट करें, बताएं। आपको बहुत आयत के आशीष है जो मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे टीम के लिए प्रेयर वरे करें, इस मिनिस्ट्री के लिए जरूर प्रार्थना करें। द गॉड ऑफ हेवन चर्च, ये प्रभु ने दिया है और ये सब प्रभु का है, और हम उसके सिर्फ कुछ भी नहीं है, एक जरिया है। हालेलुया। प्रभु को बहुत आयत के आशीष दें। जब आप प्रेयर करते तो आपके लिए तो बंधन और द्वार खुल जाते हैं। आमीन। तो लगातार प्रार्थना करें, और भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है लगातार प्रार्थना करें, अपने बीज बोए, अपने ऑफिसिंग, अपने दशमांश आप दीजिए ऑनलाइन पेमेंट और बैंक के थ्रू। डिटेल्स देखिए अपनी स्क्रीन में। दीप्ति प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवाएं, अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। प्रभु में सदानंदित रहें। तो संडे प्रेयर मीटिंग में आप जरूर आएं। प्रभु को बहुत आयत के आशीष दें। और आप इस एड्रेस को देख सकते हैं, नया जो एड्रेस है। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जोर से बोलें हालेलुया। थैंक यू जीसस।